कोरोना वायरस से देश को बचाने के लिए एक जैन संस्था के जैन प्रोफेसर द्वारा कोरोना की दवाई बताई गई। दवाई के बारे में शोध पत्र प्रकाशित किए गए। भारत की सबसे बड़ी शोध संस्था DRDO ने इस पर रिसर्च करके भारत सरकार को इस दवाई के बारे में बताया और भारत सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 17 मई को कोरोना की इस दवाई को लॉन्च किया। आज पूरा देश उन जैन प्रोफेसर व जैन संस्था की वाह वाह कर रहा है। लेकिन कौन है ये महान जैन प्रोफेसर जिन्होंने पिछले साल मार्च 2020 में कोरोना के आते ही इस दवाई के बारे में बता दिया था? किस जैन संस्था ने पूरे देश में जैन समाज का नाम रोशन किया? पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय जिनेंद्र मित्रों, कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और लाखों लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। जहां अब तक वैक्सीन को ही कोरोना का बचाव समझा जा रहा था, कोरोना से इस जंग में बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत की शीर्ष शोध संस्था DRDO ने कोरोना की दवा 2DG का आविष्कार कर लिया है। 17 मई को भारत सरकार द्वारा इस दवा का इमरजेंसी यूज करने की मंजूरी मिल गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने DRDO के हेड ऑफिस में कोरोना की इस दवा 2DG की पहली खेप रिलीज की। कोरोना की ये देसी दवा 2DG पाउडर के रूप में पैकेट में आएगी और इसे पानी में घोल कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कोरोना की इस दवा का आविष्कार जैन विश्व भारती संस्था जो लाडनू राजस्थान में है, उनके प्रोफेसर इमेरिटस डॉक्टर विनय जैन जी की रिसर्च को आधार मानकर ही किया गया है। जब कोरोना ने हमारे भारत में प्रवेश ही किया था, उसी समय मार्च 2020 में जैन विश्व भारती संस्था के प्रोफेसर इमेरिटस डॉक्टर विनय जैन जी द्वारा पब्लिश्ड रिसर्च में यह बताया गया था कि एक केमिकल मॉलिक्यूल 2DG मतलब 2-deoxy-D-glucose है, जो कैंसर की दवाई के रूप में भी उपयोग होता है, वह COVID-19 के उपचार में भी सहायक है। प्रोफेसर डॉक्टर विनय जैन के साथ पतंजलि योगपीठ, सविता इंस्टीट्यूट और मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज के रिसर्चर्स ने साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वायरस रिसेप्टर्स का अध्ययन करके मार्च 2020 में यह शोध पत्र पब्लिश किया था, जिसको आधार मानकर आज COVID-19 की दवा 2DG हमारे भारत में बनाई गई है। आपको बता दें कि जैन आचार्य तुलसी जी की प्रेरणा से जैन विश्व भारती संस्था की स्थापना हुई थी। इस यूनिवर्सिटी के पहले अनुशासता आचार्य तुलसी जी वे दूसरे अनुशासता आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी के अनुशासता आचार्य महाश्रमण जी हैं। एक जैन संस्था जिसके जैन प्रोफेसर द्वारा किए गए शोध पर कोरोना की देसी दवा 2DG का आविष्कार किया गया है, यह संपूर्ण जैन समाज के लिए अति हर्ष का विषय है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने जैन मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल तुषार जैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।